कहाँ गया वो? अरे आओ ना यार सामने, फोन पॉकेट में रख के। वो फोन पॉकेट में रख लेता अपने तो किताब है। थी मद्य निषेध विभाग के लिए, उसमें सिपाही रैंक के लिए बहाली थी। सूचना मिली थी कल से ही हम लोग प्रयासरत थे कि कुछ रैकेटियर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेंगे, स्कॉलर बैठाएंगे। वो कल से ही काम चल रहा था जिला में और आज उसकी परिणति सामने आई। हमारे क्षेत्र में 5 जगह से कुल 37 आदमी पकड़ा गया है। इसमें गया कॉलेज में है, गया कॉलेज, चंदौती हाई स्कूल और अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में ज़्यादा संख्या में ब्लूटूथ के साथ परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। बाकी 2 सिविल लाइन से और 1 कोतवाली से। किस तरह का ब्लूटूथ है ये, कहाँ लगता है? ब्लूटूथ डिवाइस है, इसको कनेक्ट करता है एक ऑपरेटर से जो साथ में कहीं पर रखता है छिपा करके और कान में लगा करके रखता है, उससे साउंडलेस रहता है। उस ऑपरेटर में वो वन साइडेड वो उधर से बोलते जाता है या लोग अपना आंसर लिखता है, उसी में पकड़ा गया है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अब तो जो कानूनी प्रक्रिया के तहत 3 लोगों को जेल भेजा जाएगा और फिर अनुसंधान किया जाएगा। जो इसके हेड हैं, जो इसको सप्लाई करता है, उस वहाँ तक सब लोग पहुँचेंगे। डॉक्टरों की मदद से भी निकाला गया है? डॉक्टर की मदद से भी एक तो वहाँ अनुग्रह मेडिकल कॉलेज जाकर निकाले, फिर वहीं पर हम लोग को डॉक्टर को बुलाए थे परीक्षा केंद्र पर भी, तो वहाँ उनके मदद से निकाला। ऐसे संभव नहीं था, कुछ तो निकल सकता था लेकिन कुछ बहुत अंदर चला गया था, जो अकेले हम लोग के स्तर से या उनके स्तर से संभव नहीं था। आप लोग के प्रयास से ये तो लोग पकड़े गए हैं, तो क्या इसका कोई रैकेट पता लग पाया है कहाँ के लोग? हाँ बताया है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक युग में तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है ना, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। कहीं केंद्र की भी संलिप्तता इसमें दिखती है क्या? जहाँ से ये पकड़े गए हैं वहाँ की संलिप्तता दिखती है? एंट्री इन लोग कैसे कर पाए अंदर जो कर गए? जांच पड़ताल नहीं हुई? एटीएम जो उसका ऑपरेटर है ना, वो मोबाइल के शक्ल में है लेकिन बहुत छोटा है, और एटीएम कार्ड की तरह भी बहुत लोग बनाए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सेम आज एटीएम है, थोड़ा सा उसका चौड़ाई मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा है, उसी में सिम इंसर्ट किया हुआ है, तो उससे भी चल देखा होगा कि एटीएम कार्ड है, छोड़ दिया होगा, लेकिन केंद्र की अभी तक कोई संलिप्तता नहीं आई है। कितने छात्रों का ऑपरेशन करके निकाला गया है? ऑपरेशन नहीं किया गया है, वो चिमटा टाइप का रहता है ना, वो उधर से खींच लेता है, ऑपरेशन किसी का नहीं किया गया। ये जो पकड़े गए सब गया के लिए बाहर? लोकल सेंटर था ना, गया जिला के यहाँ का मेल और फीमेल का यहाँ सेंटर था, और बिहार झारखंड का भी गया में सेंटर था, तो जो भी पकड़ाया है वो लोकल ही है। अगर झारखंड का एकाध हो सकता है, लेकिन जनरली अधिकांशतः लोकल ही है। कुछ जो छात्र पकड़ाए हैं वो किन किन सेंटरों से यहाँ पर आए हैं, मतलब किन किन सेंटर से गिरफ्तार किए गए? गया कॉलेज से 10 है, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज से 11 है, चंदौती हाई स्कूल से 12 है, टी मॉडल से 1 है, और एक और एक स्कूल से कोतवाली में है, 2 स्कूल से 1 और है कोतवाली में। ठीक है। नकलची कहाँ से? इसमें नकलची कोई गुंजाइश नहीं है, किसी न किसी रूप में डिवाइस है, किसी का ब्लूटूथ है, किसी का ब्लूटूथ फेंक दिया है तो मोबाइल पकड़ाया है, इस टाइप से सबके पास कुछ न कुछ है।